तो मैं आपका दोस्त आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो है वीडियो है पंचायत चुनाव ड्यूटी में गैर हाजिर रहे अधिकारी कर्मचारी तो फिर दर्ज होगा मुकदमा। जैसा कि हमको सभी पता है कि अभी जो है 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, डेट फिक्स है। उससे पहले हम लोग की ड्यूटी लगेगी टीचर्स की और अन्य अधिकार विभाग के कर्मचारियों के अधिकारियों की, जिससे कि ये चुनाव संपन्न कराया जा सके अच्छी तरीके से। तो चुनाव आयोग बहुत सख्त होता है, खास ज़्यादातर लोगों को चीज़ें पता है, जो नए टीचर्स हैं उनको नहीं पता हो तो उनके लिए वीडियो है, क्योंकि इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। चुनाव की ड्यूटी जब मिली है तो आपको करना ही करना है, अगर कोई वैसी गंभीर समस्या नहीं हो तो ठीक है। अगर आप इसको हल्कों में ले कि ड्यूटी आए आप नहीं रिसीव कर रहे हैं या फिर ड्यूटी नहीं जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपके साथ कार्रवाई भी हो जाएगी, आप और जिसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये विभागीय कार्रवाई नहीं होती, चुनाव आयोग करता है। जैसा कि सभी को पता है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता आती है तो सारा जो कर्मचारी होता है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्या है मेन बात, क्या है कि क्यों जो है कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए ये लखनऊ का है, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए सहायक निर्वाचन अधिकारियों के गैर हाजिर रहने पर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने सभी अधिकारियों को सोमवार तक ड्यूटी आने के लिए कहा है, साथ ही चेतावनी दी है जो अधिकारी ड्यूटी पर नहीं आएगा उसके खिलाफ मुकदमा कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि निर्वाचन जैसी महत्वपूर्ण कार्य में नियुक्त अधिकारियों की लापरवाही प्रक्रिया में व्यवधान पैदा कर सकती है। इसी क्रम में निर्देश दिए गए हैं कि नियुक्त किए गए सहायक निर्वाचन अधिकारी सोमवार 5 अप्रैल तक जिला निर्वाचन कार्यालय के कक्ष संख्या 35 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। अन्य गैर हाजिर अधिकारियों के विरुद्ध निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकरण कराया जाएगा। वहीं जिले के मतदान केंद्र बूथों का निरीक्षण जोनल सेक्टर व मजिस्ट्रेट सोमवार तक से करेंगे। तो ये थी अधिकारियों के बाद उच्च वाले जो कर्मचारी, जैसे कि हम लोग का जो इलेक्शन करवाने जाएंगे, पोलिंग बूथ जो होगा पीठासीन प्रथम मतदान अधिकारी द्वितीय होगा और तृतीय होगा, तो फिर इनकी भी ऐसा नहीं है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई तुरंत होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी अगर आप ड्यूटी रिसीव नहीं करते हो या फिर आप प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हो। तो इस चीज़ को मान लो अगर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो बहाली में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सीरियसली इस चीज़ को लेना, चुनाव वाला मैटर को, बाकी आप कुछ भी चीज़ें जैसे ले रहे हो लेकिन इलेक्शन वाला मैटर को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ ढिलाई की है तो आपको लंबे समय तक आपका वेतन भी रोका जा सकता है, काफ़ी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो यही रहेगा, सबसे आसान तरीका यही है, आपको जो ड्यूटी मिलेगी उसको आप करिए और एक दिन की बात होगी और प्रशिक्षण हो रहा है विभागीय, बिल्कुल जुड़े रहिए और सूचनाओं पर देखिए, हो सकता है कहीं की ड्यूटी मिल गई हो और कहीं नहीं मिली होंगी तो मिलने लगी होंगी। प्रशिक्षण बस शुरू होने वाले हैं, कहीं तो अधिकारियों के प्रशिक्षण चालू हो चुके हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं इनके प्रशिक्षण चालू हो गए हैं और कार्य भी करने हैं, और अपने स्कूलों में जो आप लोग रहते हैं जहाँ का बूथ है स्पेशली वहाँ पे हर चीज़ मेंटेन रखिएगा, आप लोग उपस्थिति जरूर रखिएगा उपस्थित, और जहाँ बूथ है वहाँ शौचालय लाइट ये सारी व्यवस्था जो है अच्छी रखना है, और ऐसा ना हो कि अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुँचे तो आप विद्यालय से गायब मिले, उपस्थिति का विशेष ध्यान रखना होगा हम लोग को, ताकि बाद में शिकायत का किसी को मौका ना मिले दोस्तों। तो ये छोटा सा ही वीडियो था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे इस चीज़ को तो दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी और हमें फिर बाद में अफसोस होगा और मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे खुद ही। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। और हाँ भाई, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 6000 लोग देख डालते हो और सब्सक्राइबर तो मेरे अभी 2000 नहीं हुए, कोई कोई वीडियो तो 14000 या फिर 12000 जाता है पर सब्सक्राइबर नहीं है। तो यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लिया करिए अगर अच्छा लगे तो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।